दोस्तों नमस्कार। आपने कल सुप्रीम कोर्ट का रफेल मुद्दे के ऊपर फैसला तो सुना ही होगा और आशा करता हूँ आपने ये भी देखा हो कि किस तरीके से इसी के साथ एक हड़कंप सा मच गया है राहुल गांधी और उनके दरबारी पत्रकारों के बीच में। वो तो खैर स्वाभाविक ही है, और स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से रफाल 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 का के नाम का एक बहुत बड़ा बरसा फुलाया था, झूठ का पुलिंदा बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा के पूरा ढा दिया। जितना इन्होंने माहौल बनाया था वो सब खत्म हो गया। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में चार लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की थी, उसमें आपके यशवंत सिंह, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण लोग भी शामिल थे। उनका आरोप था कि इसमें धांधली हुई है, मोदी ने फेवरेटिज्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें सुनवाई की, उसमें इनकी दलीलें भी सुनी, सरकार की भी दलीलें सुनी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखी और उन्होंने फैसला सुनाया। मैं आपको उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, क्या क्या लिखा है उसके बारे में बताऊंगा। आपको रेफरेंसेस भी बताऊंगा, आप कहाँ पे खुद जाके उसमें पढ़ सकते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। मेनली सुप्रीम कोर्ट ने तीन पहलुओं के ऊपर फोकस किया उसमें। पहला ये कि क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज पर रूल्स एंड गाइडलाइंस था कि नहीं था, नियम कानून का पालन हुआ या उल्लंघन हुआ। दूसरा ये प्राइसिंग, क्या सरकार ने सच में ज्यादा कीमत दी, क्या सच में किसी का फायदा पहुंचा। और तीसरा मुद्दा कि ऑफसेट्स, रफाइल को जो इंडिया में इन्वेस्ट करने का ऑब्लिगेशन बनता है उसमें क्या अंबानी को फायदा पहुंचाया गया है, क्या सरकार ने दबाव डाला उनके ऊपर। तो मेनली तीन मुद्दों के ऊपर इन्होंने दलीलें सुनी और फिर अपना डिसीजन लिया। मैं आपको वॉक थ्रू कराता हूँ उस डिसीजन उस फैसले से। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सीधे पैराग्राफ 18 पर चले जाएं। पैराग्राफ 18 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ से लिखा है कि पुरानी डील हो ही क्यों नहीं पाई। उसका रीजन ये था कि हॉल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट सिस्टम जो रफाल बनाती है वो एक सहमति बना ही नहीं पाए। दो रीजन थे, एक तो ये था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कह रही थी कि जो आप चीज़ एक दिन में वहाँ बनाते हो मुझे यहाँ बनाने में 2.5 दिन से ज़्यादा लगेगा। और दूसरा रीज़न ये था कि डसॉल्ट का कहना साफ से यह था कि मैं जो बनाता हूँ, जो मैं आपको 18 फ्रांस में बना के दूंगा 126 में से, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और जो 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया में बनाएगी उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, हम नहीं लेंगे। इस मुद्दे के ऊपर समझौता हो नहीं पाया उनका, तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 19 में लिखता है कि वो पुराना कैंसर, उसका रीजन तो एक तो ये था, दूसरा कॉस्ट काफी बढ़ चुकी थी उसकी, और तीसरा ये कि हमारे जो शत्रु देश थे वो लोग ऑलरेडी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अपनी आर्मी एयरफोर्स में लगा चुके थे और हम अभी तक थर्ड जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं। सो ये मामला इतना इमरजेंसी का था तो सरकार ने पुराना स्क्रैप कर दिया और नया डील बनाया और नई डील में सरकार ने सारे जो प्रोसेसेस वगैरह फॉलो करने थे बराबर से किए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जो आरोप थे उन सबको खिड़की के बाहर फेंक दिया, बोला कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, आधारहीन है और सरकार इसमें कोई गलती नहीं की है। दूसरा जो पॉइंट था जिसके ऊपर फोकस किया था उन्होंने, वो कि प्राइसिंग, कीमत क्या है। कीमत का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मामला काफ़ी संवेदनशील है, सरकार ने इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं है और संसद में सिर्फ एक बेसिक एयरक्राफ्ट की प्राइस बताई है। हाँ, लेकिन सरकार ने CAG को एक एक पाई का पूरा हिसाब दे दिया है, जो ऑडिटर होता है सरकार का। और हमारे मांगने के ऊपर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक बंद लिफाफे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसने लिखा कि हमने, पैराग्राफ 26 में आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हमने बहुत ही क्लोजली एक एक प्राइस डिटेल्स आइटम वाइज हमने देखी, कंपेयर किया अभी इस डील में क्या है और पुरानी डील में भी क्या होगा। और हम जो इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं सरकार के लोगों ने कि ये डील चीपर है, फायदेमंद है पुरानी वाली से, हम इससे सहमत हैं, हमें इसमें कोई भी वो कोताही और गलत नकबाजी नहीं लगती, हमें लगता है कि शायद ही सही है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिखा कि ये मामला जो है संवेदनशील है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं प्राइस को लेकर। सो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आप भी कह दिया कि प्राइसिंग वगैरह में हमें तो कोई गड़बड़ नहीं लगती, जो सरकार ने और उन्होंने हमें जो बताया हमें उस पर कोई गड़बड़ नहीं लगती है।
फिर आता तीसरा मुद्दा कि क्या सरकार ने किसी को फेवर किया है यहाँ पे, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। उसके उसके लिए उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा वहां पे कि एज पर दी रूल जो राफेल सिस है उनको 3 साल के पहले इंडिया में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो सितंबर 2016 में साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अक्टूबर 2019 से उनको करने की जरूरत है। सो अभी फॉर्मली सरकार को टसल सिस्टम ने ना तो बताया है और ना बताने की जरूरत है कि उनके पार्टनर कौन है। अगला वो अगर आप जाओगे पैराग्राफ 33 में, वहां पे बहुत क्लियर लिखते हैं कि हमें ऐसा कोई मटेरियल, कोई भी तथ्य हमारे सामने नहीं आया है जिसमें जिससे ये साबित होता हो, जिससे ये अंदेशा होता हो कि सरकार ने कोई दबाव डाला, कोई रिकमेंड किया कि हाँ आप इनसे समझौता करिए, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, इनको मत दीजिए वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने बहुत साफ से लिखा कि एज पर द रूल्स ऐसे भी दिस इज अ कमर्शियल डिसीजन ऑफ दैट फ्रेंच कंपनी, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन गवर्नमेंट। और ये कि ये मोदी गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि भले ही न्यूज रिपोर्ट में कुछ भी आए, हम ऑफिशियली हमें बताया नहीं गया है और हमने पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो इसी के साथ अगर आप देखोगे तो तीनों के ऊपर जो बहुत तीन इन बिंदुओं के ऊपर जो आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने सबके सब खारिज कर दिए। फाइनली कंक्लूड करती सुप्रीम कोर्ट कैसे, आप पैराग्राफ 34 में अगर जाके पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने तीनों पहलुओं के ऊपर नजर डाली और हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ भी कारण नजर नहीं आया कि हमें इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है या फिर हमें इसमें एक जांच, हमारी निगरानी में जांच करवाने की जरूरत है। उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला जो सुप्रीम कोर्ट लिखता है, कहता है कि अगर किसी ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना दी है और वो अपने मन में वहम लेके बैठा है तो वो वैलिड ग्राउंड नहीं है हमें इंटरवीन करने के लिए, राइट। सो बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ये सारी अर्जियां खारिज कर दी और बिल्कुल आप समझ लो कि बिल्कुल खिड़की से बाहर फेंक दी इनके सारे आरोप। अब इसी के साथ इनके ऊपर आप समझ लो कि इनकी तो पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, इन्होंने जैसे तैसे करके माहौल बनाया था और पानी तो फिरा ही फिरा। अब ऐसा हो गया माहौल कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को झूठा साबित कर दिया। ये अब तक जितना भी बोलते आए थे ये सब कुछ झूठ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर लगा दी। इनका पूरा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि देश की जनता तक ये खबर नहीं पहुंचे। ये अभी ये इनका पूरा कोशिश है कि माहौल ऐसा कैसा बना रहे और हम इनको गुमराह करते रहें, लेकिन आप और मैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये बात सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है इनको झूठा साबित किया है तो हम ये हर एक को जाके ये बात बताएंगे। अब ये चाहे तो भी हम ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने देंगे, हम प्रदेश की जनता को इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये कितने बड़े झूठे हैं। ये लोग देश की सुरक्षा जैसे मामले पर भी अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। हमें देश की जनता को अब ये बताना है कि ये लोग सत्ता में आने लायक तो क्या, ये लोग विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं है। अब इनको 44 सीटें भी नहीं, अब इनको 4 सीटें भी देश में नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कल एक इंग्लिश में इस टाइप ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सबको इन्फॉर्म किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने आज हिंदी में भी बनाया। आप भी इसी तरीके से अपने दोस्तों को बताइए, जिस किसी लोकल रीजनल लैंग्वेज में आप अपना इस तरीके से वीडियो संदेश बनाना चाहें, लोगों को एजुकेट करिए इस बारे में, लोगों को इस बारे में बताइए। हमको देश की जनता को हर एक को ये बता देना है, ये मैसेज पहुंचा देना है कि देश की जनता श्योर है, चौकीदार प्योर है, राहुल गांधी और कांग्रेस चोर हैं। अब की बार फिर से मोदी सरकार, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।